निकासन खीरी में तिकोनिया कस्बा टायर चौराहा बाजार वाली रोड पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, जिसमें दो टीचर कुल 343 बच्चे पढ़ाते हैं। वीडियो में देखा जा रहा है, ना तो स्कूल की बाउंड्री वॉल है, ना ही स्कूल में पानी का निकास है। उच्च प्राथमिक विद्यालय गंदे पानी से भरा हुआ है। किस प्रकार से बच्चे स्कूल पढ़ने पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी से गुजरकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। उसी विद्यालय में बच्चे भी पढ़ते हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, गंदगी का भंडार बना हुआ है। मार्केट में बने स्कूल को सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना तो ग्राम प्रधान देख रहा है, ना ही शिक्षा के अधिकारी देख रहे हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि तिकोनिया कस्बा का गंदा पानी उसी विद्यालय में जा रहा है, जिसमें नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं। उसी गंदे पानी से गुजरकर बच्चे अपने कमरे तक जाते हैं। उस गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। उसी गंदे पानी में निकलकर बच्चे नाले नल तक जाते हैं और गंदा पानी भी पीते हैं।